हर किसी की नज़र बनी हुई है दुनिया भर के जिन्हें भी जेडे सिख वसते ने उन्हों की नज़र अज की इस अहम मीटिंग के उत्ते टिकी हुई सी कि आखिरकार अकाल तख्त साहिब के जथेदार इस मीटिंग तो बाद की फैसला लेंदे ने। निहंग जथेबंदियों के जेडे आगू ने उन्होंने नाल असी गलबात जरूर करांगे। तस्वीर इस वेले तुसीं देख कि अकाल तख्त साहिब सकत्तरेत के बाहर हर पासे तुसीं देखो कि वक् वक् जथेबंदियों के नाल जुड़े हुए लोग तो निहंग जथेबंदी बाबा जी की मुख तौर पर मंग उठी है। मुख तौर पर जथेदार साहब ने कह दिता वा कि 24 घंटों के जिहड़े साडे सिख ने सारे रिहा किए जाने चाहिए जिहड़े इस मसले विच गिरफ्तार रहे ने। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ दुनिया भर की नज़र अज की इस मीटिंग के उत्ते टिकी हुई है क्योंकि सरकारां दे उत्ते सीधे तौर पर यह इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने वालों जान बुझ के तंग परेशान किया जा रहा। तो यह मीटिंग जी होर भी नुमाइंदे जिहड़े शामिल से उन्होंने गलबात करते हैं कि कहते दौरान वो अपना जो इन्होंने सिंघां ते नजायज़ परचे हुए उन्होंने वापस किए जाण ते जो सिंह साहब का फैसला समुचे सिख जगत का फैसला वाहेगुरु जी का खालसा। दुनिया की नज़र इस मीटिंग से टिकी हुई मुख्य तौर पर की मंग की विचार चर्चा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिता सरकार सिंह साहबा ने जी 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार नूं दिता गया। हालांकि जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों अधिकारिक तौर पर हले गलबात की जानी है। तो निहंग जथेबंदियों के मुखी तुसीं देख सकते हो कि मीटिंग तो बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सवेर तो ही हर किसी की नज़र इस अहम मीटिंग के उत्ते टिकी हुई सी कि अकाल तख्त साहिब वालों अज की इस मीटिंग तो बाद की फैसला लिया जाता। तो कुछ देर बाद असी उस बयान का भी इंतजार कर रहे हैं कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह अज की इस बैठक तो बाद की फैसला लेंदे ने और कौम नूं की उन्हां वालों सुनेहा दिता जाता। पर हुण तक की जिहड़ी जानकारी निकल के सामने आई वो यही है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार नूं दिता गया कि जिन्हें भी नौजवान जिहड़े गिरफ्तार किए गए ने उन्होंने रिहा किया जाए। तो इस वेले बाबा अवतार सिंह जो ने निहंग जथेबंदी के मुखी वो इस वेले अकाल तख्त साहिब तो जिहड़ी मीटिंग हुई सी उस दे विच शामिल होने तो बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह ही वख वख जिहड़े जथेबंदियों के नुमाइंदे ने वख वख भावें वह कोई बुद्धिजीवी है कोई सिख वकील है पत्रकार तो सारे सद्दा दिता गया सी। तो मीटिंग जिहड़ी है वह खत्म हो चुकी है। हुण मीटिंग तो बाद अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का जिहड़ा रस्मी बयान होएगा उसका इंतजार किया जा रहा है कि उन्होंने वालों सीधे तौर पर पंजाब सरकार या फिर केंद्र सरकार को की चेतावनी दी जाती क्योंकि 24 घंटे की गल की जा रही कि 24 घंटिया तक जेकर इन्हों रिहा नहीं किया गया तो रणनीति रहने वाली है। पर अधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है और इस वेले की अपडेट यही है कि मीटिंग जो है वह खत्म हो चुकी है जी। अजी देखो जितों तक मीडिया के मुखातब होने की गल आ तो उस बारे स्पष्ट नहीं कहा जा सकता पर कुछ देर बाद कोई बयान जरूर SGPC वालों या अकाल तख्त साहिब सकत्तरेत वालों जारी किया जा सकता। इस वेले अकाल तख्त साहिब के ठीक बाहर आ मीटिंग खत्म हो चुकी। तुम देख सकते हो कि निहंग जथेबंदियों के नुमाइंदे तो होर जिन्या भी संप्रदावान ने या फिर जथेबंदियों के आगू ने जोड़े मीटिंग का हिस्सा से तो वह हूँ हौली असी वह बाहर निकले चाहे बलजीत सिंह दादूवाल की गल कर ली जाए। तो यह गल सामने आ रही है कि जिन्हें भी विचार अंदर रखे गए उस तो बाद यह फैसला लिया गया कि सारे जिहड़े इख्तियार ने वह अकाल तख्त साहिब के जत हरप्रीत सिंह दिते गए हैं कि वह हुण अगला फैसला लैणगे कि भावें उन्होंने पिंड पंजाब सरकार के नाल या केंद्र सरकार के नाल जेकर कोई गल करनी पैंदी है। गल सामने आई है कि अंदर यह मंग उठी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जिहड़े नौजवान गिरफ्तार किए गए ने उन्होंने रिहा किया जाए। तो इस तरीके दी जिहड़ियां मंगां ने या इस तरीके दी जिहड़ियां चर्चावां ने वह इस मीटिंग दे विच होईयां ने। निहंग जथेबंदियों के जिहड़े नुमाइंदे ने वह तुसीं देख सकदे हो कि इस वेले बाहर निकल रहे ने गलबात भी असीं करन दी कोशिश करांगे। तो यह ताज़ा हालात ने इस वेले अकाल तख्त साहिब सकत्तरेत के बाहर दे मीटिंग खत्म हो चुकी है। अकाल तख्त साहिब दे
सरकार वालों की कुछ कहा गया उस दे उत्ते हर किसी की नज़र बनी हुई है, पर की मुख तौर पर मंग रही उस बारे असी गलबात भी लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह जानकारी निकल के सामने आई है जो कुछ विचार चर्चा की गई उस तो बाद सारे इख्तियार जोड़े ने अकाल तख्त साहब के जथेदार दे दिए गए हैं कि जो भी वो फैसला लैणगे वह कौम के हक के होएगा, कौम की चढ़ती कला के लिए होएगा। और जितों तक सरकार का सवाल है तो केंद्र सरकार हो फिर पंजाब सरकार होना राबता कायम करके ये मंग की जा रही थी, क्योंकि दल खालसा भावें इस मीटिंग दे विच नहीं पहुँचे पर उन्हां वल्लों जिहड़ा मंग पत्र सौंपिया गया उस मंग पत्र दे मुताबक भी यही मंग रखी गई है कि सरकार नूं एक अल्टीमेटम दिता जाए कि 24 घंटिया के अंदर अंदर जिन्हें भी सिख नौजवान ने जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया उन्हां दी रिहाई जिहड़ी है वो की।